अब वो दिन दूर नहीं, अगला चुनाव में इनको झंडा ढोने वाला आदमी नहीं मिलेगा। और इस तीन साल में, अभी तो दो साल और बाकी है जी, अभी तो तीन साल में जो लकीर हम लोगों ने खींचा है, और इतना गाढ़ा लकीर खींचा है कि भाजपा लोगों को आने वाला सात जन्म भी लेना पड़ेगा तो भी कम पड़ेगा, तो भी वो हमारा इस लकीर को पार नहीं कर सकते। दो साल में तो क्या होगा भगवान जाने, उसके बाद तो ये लोग यहां पर रहेंगे कि नहीं रहेंगे ये भी ज्यादा चिंता का विषय हो जाएगा। बड़ा ही दुर्भाग्य है, बड़ा सुयोजनाबद्ध तरीके से इन लोगों ने गिरोह बनाया है यहां पर। यहां न्यायालय में इन लोगों ने पीआईएल करने का एक गिरोह बनाया, और जो हमें जानकारी मिली है ना बिहार में, ना बंगाल में, ना उड़ीसा में, ना किसी भी राज्य में इतना पीआईएल नहीं होता है जितना यहां होता है राज बनने के बाद से ही। और हमें यह भी जानकारी मिली है वो पीआईएल करने वाले गिरोह पीआईएल करने के पहले सौदा करने के लिए निकलते हैं, अगर सौदा हो गया तो पीआईएल नहीं हो गया, अगर सौदा नहीं होगा तो पीआईएल हो जाता है। और बड़ा दुर्भाग्य की बात है, न्यायालय को भी इसका संरक्षण प्राप्त हो जाता है कभी कभी। हमारे ऊपर जो आरोप लगा, इसी मुकदमे को इसी हाईकोर्ट ने निरस्त कर दिया, और अब फिर से उसी को दायर करके सही ठहरा दिया। अजीब हालत है, यह समझ से परे। और इसी केस को सुप्रीम कोर्ट खारिज कर देता है, और मैं बड़ा गंभीरता से इन सब चीजों को देखता हूं कि हमारे इस राज के चौथे स्तंभ के रूप में न्यायालय, पत्रकारिता किस तरीके से काम करती है। और मैं कहने से यह गुरेज नहीं कि हमारे पत्रकार बंधु भी राजनीतिक व्यवहार में कभी कभी देखने को मिलते हैं। आज इस भावी कार्यक्रम का जो पंचायत पंचायत में उत्साह चल रहा है, जो योजना चल रहा है, जो लोगों को लाभ मिल रहा है, किसी कोने में छोटा सा खबर आपको दिखेगा वो अनुकंपा पर लगता है सरकार को मिल रहा है। वहीं पर छापे पड़ रहे हैं ईडी का, इनकम टैक्स का। और तो और मजेदार बात, ये इनकम टैक्स ईडी छापा मारता है 100 जगह पर, 80 जगह पर, और मिलता कितना है? 125 करोड़ रुपया। गजब बात, 10-20 करोड़ रुपया तो छापा मारने में लगा दिया, मिलता है कितना? ये शुरू से ही आप देख लीजिए, मधु कोड़ा जी के समय में 40,000 करोड़ रुपया का घोटाला इन लोगों ने कहकर के मुकदमा दर्ज किया, एक आदिवासी नेता का भविष्य खराब कर दिया। आज ईडी और सीबीआई बता दे 40,000 करोड़ रुपया में उसको कितना रुपया बरामदगी में मिला, कितना पैसा वापस ला करके इन लोगों ने सरकारी खजाने में डाला।